ये चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय में कर्मोन्नत करवाया व ट्रोमा सेंटर बनवाया तथा वर्षों से कर्मोन्नत की बाट जो रहे राजकीय चिकित्सालय को 100 बेड में भी कर्मोन्नत करवाया व ब्लड बैंक की स्थापना की, ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया, 2 डायलिसिस मशीन अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवा में लगाई गई, शहरी क्षेत्र में 2 जनता क्लिनिक की स्थापना करवाई, अत्याधुनिक सुविधा युक्त शानदार आईसीयू वार्ड व पुराने जर्जर भवन हेतु नए चिकित्सालय भवन का निर्माण प्रारंभ कर क्षेत्र को बड़ा उपहार देने का काम किया। ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मेगाना PHC को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत करवाया। ललाना खुइया न्योलखी मोटेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की एवं दर्जन भर गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की सौगात दी। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जहां हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, वहीं अमित चचाण दिन रात 24 घंटे चट्टान की भांति स्थिर रहकर कोरोना पीड़ितों की सेवा में रहे, ऑक्सीजन वह महंगी दवाइयों की निशुल्क आपूर्ति करवाकर जन हितेशी वे जन प्रिय होने का परिचय दिया। साथ ही अपनी रसोई के माध्यम से प्रतिदिन 10,000 से अधिक जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को बाधा रहित बनाने के उद्देश्य से हुइया में 132 केवी GSS के लिए 40 करोड़ की स्वीकृति करवाई एवं 8 गांवों में 33-11 GSS की स्थापना करवाई। साथ ही शहरी क्षेत्र में बिजली के मजबूतीकरण हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाए, यातायात विस्तार हेतु नोहर बस डिपो की स्वीकृति करवाकर भविष्य के लिए सुखद संकेत दिए। नोहर क्षेत्र में राजस्थान का एकमात्र ऐसा पहला थाना जो सिर्फ सिंचाई पानी चोरी रोकने का काम करेगा, उसकी मुख्यमंत्री जी ने हमें सौगात दी। उसकी नोहर में स्थापना हुई, 3,43,00,000 रुपए से उसका भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सिंचाई पानी हेतु कृषि प्रधान ये हल्का सदैव ही प्रभावित रहा। सिंचाई पानी चोरी की रोकथाम हेतु राजस्थान का पहला एकमात्र सिंचाई पानी रोकथाम पुलिस थाना की स्थापना कर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। सर्द ऋतु में स्वयं अमित चाचाण पहरेदार बनकर नहरों की निगरानी रखकर तेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया ताकि पूरे हलके को पूरा पानी मिल सके। इसके साथ 100 करोड़ की लागत से पुराने जर्जर खालों की मरम्मत, नए खालों का निर्माण एवं 90 करोड़ से नहरों को पुनः निर्माण की स्वीकृति मिली एवं 20 करोड़ नहरों की रीलाइनिंग के लिए बजट की स्वीकृति मिली। 300 करोड़ से घर घर पेयजल योजना के तहत घर घर पानी के कनेक्शन करवाए एवं 17 करोड़ से शहरी पेयजल योजना के तहत वाटर स्टोरेज का निर्माण एवं ग्रामीण व नगरपालिका क्षेत्र में पानी की टंकियों का निर्माण करवाया। मां ब्रह्माणी की पावन धरा पल्लू को तहसील का दर्जा दिलवाया। हमारे विधायक मोदी अमित जी चाचाण है, उनके कार्यकाल में जो 5 साल का कार्यकाल था उनके अंदर 2 साल तो कोरोना के बीत गए और 3 साल के कार्यकाल के अंदर आज तक विकास नहीं हुआ है, कई गुना ज्यादा उन्होंने 3 साल के अंदर हमारे ग्राम पंचायत खुइया के अंदर करवाया। नोहर विधान सभा के सबसे बड़े और हरियाणा बॉर्डर से लगे गांव फेफाना को उप तहसील का दर्जा दिलवाने में सफलता प्राप्त की। क्षेत्र को 14 नए पटवार मंडलों की स्वीकृति मिली। नशा व अपराध रोकथाम के लिए एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए फेफाना खुइया की पुलिस चौकी से थानों में कर्मोन्नत करवाकर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। मेघाना में पुलिस चौकी की स्थापना करवाई। गोवंश का ध्यान रखते हुए जन सहभागिता से क्षेत्र में नंदीशाला की
स्थापना की गई एवं लंपी की बीमारी के चलते अलग से लंपी रोग से ग्रसित गोवंश के लिए गौशाला का संचालन कर दवाई एवं चारे की व्यवस्था कर गोवंश को राहत प्रदान करने का काम किया एवं अनेकों गांवों में पशु उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करवाई। अमित चचाण का सदैव 36 कौम व क्षेत्र के आम जन से सीधा जुड़ाव रहा है। प्रत्येक मतदाता को अपने परिवार का हिस्सा मानकर प्रत्येक सुख दुख में खड़े रहे हैं। हम सब प्रण ले कि कर्तव्यनिष्ठ कर्म योद्धा विकास पुरुष नेक दिल युवा विधायक अमित चचाण को भारी बहुमत से जिताकर विधायक के साथ साथ नोहर का सुनहरा भविष्य चुने तो 25 नवंबर को मतदान के दिन हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबाकर अमित चचाण को पुनः विजयी बनाए। गली गली में गूंज रही आवाज यही दिल से कांग्रेस फिर से कांग्रेस फिर से कांग्रेस फिर से।